हेलो एवरीवन, आज मैं हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में बता रही हूँ। मैंने हेयर को इस तरह से 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है और आगे से टक कर लिया है, और मैंने थोड़ा सा सेक्शन निकालते हुए एक्स्ट्रा हेयर को ऊपर मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और मैंने आइकॉनिक की मशीन ली है और इस तरह से अच्छे से कॉम्ब करते हुए और उसका बॉन्ड तोड़ते हुए अच्छे से मैं स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ, और इस तरह से थोड़े थोड़े से पार्टिंग करते हुए। और सबसे पहले मैंने हेयर को प्रेप कर लिया था, उससे अच्छे से सीरम लगा लिया है और अच्छे से वॉश करवा लिया है। और मैंने सीरम लगाते हुए और हमारे मशीन की मैंने 190 पर उसका टेम्परेचर सेट कर दिया है, और फिर ही मैं इस तरह से स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ ताकि कस्टमर के हेयर ख़राब ना हो और अच्छे से उनका जो बॉन्ड है वो अच्छे से टूट जाए, ताकि हमारे सिल्की सिल्की शाइनी शाइनी हमारे हेयर दिखाई दे। अच्छे से सिल्की और शाइनी हेयर दिखाई दे रहे हैं। यह हेयर स्ट्रेटनिंग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप लाइक कर देना, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हम आगे देख रहे हैं हेयर स्ट्रेटनिंग। अच्छे से इस तरह से पूरे ही हेयर को लेते हुए हमें मशीन में इस तरह से प्रेसिंग कर लेना चाहिए। और हमने फोल्ड करे हुए हेयर को इस तरह से पूरे ही हेयर में हमें थोड़े थोड़े से लेते हुए और स्ट्रेट करना चाहिए। आप जो बिगिनर्स हैं, नए हैं, तो इस तरह से आप देखें और सीखिए तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम हो जाएगा कि किस तरह से हमें हेयर को स्ट्रेटनिंग करना चाहिए। यह टेम्पररी हेयर स्ट्रेटनिंग है, पर हमारे 10-15 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं, जो आपको कस्टमर को बोल देना चाहिए कि आप हेयर को भिगोइएगा नहीं। जो आप भिगोएंगे नहीं तो आपके कस्टमर के हेयर 1-15 दिन तक तो वैसे के वैसे रहेंगे, पर आपके कस्टमर को जो नहीं ध्यान रखा तो हमारे हेयर दूसरे तीसरे दिन ही वो कर्ल्स हो जाते हैं। आप पहले मेरे कस्टमर के हेयर का टेक्सचर देख सकते हैं कि किस तरह से उनका बहुत ही कर्ल्स हेयर है, फिर हो जाने के बाद हमारा इस तरह से, ये देखिए कि दोनों साइड ने हमने देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट करा हुआ और नहीं करा हुआ किस तरह से दिखाई दे रहा है। हमने सबसे पहले सीरम को ले लिया है और हेयर को इस तरह से अच्छे से मर्ज कर रही हूँ ताकि हम हेयर पर अच्छे से एक लेयर सी जम जाए और हमारे हेयर को कोई हार्म ना हो और कोई जले भी ना, और अच्छे से हमारा हेयर स्ट्रेटनिंग हो जाए एकदम सीधे ही शाइनी एकदम से इस तरह से हो जाते हैं। पर हमें सीरम का एकदम अच्छे से यूज़ करना चाहिए और हमें अच्छा ओरिजिनल ही सीरम यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे कस्टमर प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से सिल्की और शाइनी हेयर कंप्लीट हो गए हैं। पूरे ही हेयर इस तरह से हमने स्ट्रेट कर दिए हैं, और आप देखिए कि बिफ़ोर और आफ्टर कैसा रिजल्ट आया है। जब नहीं किए हुए थे और करने के बाद हमारे टेम्पररी स्टेट कैसे हो गए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मुझे कमेंट करने के बताना कि आपको कौन सा वीडियो आगे चाहिए, और इस तरह से हमारा स्ट्रेटनिंग हो जाए। स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो गया है।